जसनीन एक बहुत ही तहजीब याफ्ता लड़की है। लेकिन तुम्हें शायद ये सुनकर दुख हो कि मैंने कल रात नबील को उसके रूम से निकलते हुए देखा। नबील को? मैंने जो उसके साथ किया है वो पूरी जिंदगी भी लगा दे तब भी इस घर में अपनी वो पहले वाली पोजीशन नहीं बना सकती। जानती हूँ भाभी, आपको भी और आपके शातिर दिमाग को भी, मगर इस बार तो आपका वास्ता मुझसे पड़ा है। ऐसी मीठी चूड़ी से काटूंगी कि कटने के बाद भी आपको कट जाने का पता नहीं चलेगा। मीठी चूड़ी? जी भाभी। मीठी चूड़ी बन के मैंने सायरा का सारा राज ले लिया और चौराहे पे फोड़ दिया। बस फिर क्या होना था, अम्मा जी कता ताल्लुक हो गई, भाई से भी बातचीत कम हो गई, अब पड़ी है किसी कोने में। वैसे भाभी इस नाजनीन नाम की बला से मेरी भी जान छुड़वा दी, जहर लगती है मुझे एकदम। अरे पगली, पीछा तो मुझे तुम सब लोगों से छुड़ाना है, नाजली तो सिर्फ एक मोहरा है जिसे इस्तेमाल करके सबको बाहर निकालना है। मुझे पता है भाभी इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है, हमें घर से निकालने के लिए आपका ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। जी ले, जब तक जीना इस ख्वाब में। अम्मा, मेरे लिए आपसे कहना कितना मुश्किल है, ये बात आप मुझसे बेहतर समझ सकती हैं। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ, मगर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम कुएं में कूदने जाओगी और हम खुशी खुशी तुम्हें कूदने देंगे? क्योंकि अम्मा, इसके सिवा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हिम्मत नहीं हारते बेटा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। नहीं अम्मा, कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अम्मा, अरसा दराज से एक रीत चली आ रही है मर्द की बका और खुशहाली के लिए, औरत को ही कुर्बानी देनी पड़ती है। बेटा, तूने अच्छी तरह सोच लिया ना कि तू क्या करने जा रही है? हाँ माँ, मैंने कदम बहुत सोच समझ कर उठाए। किसी एक ने तो कुर्बानी देनी थी ना, बस फिर ठीक है, तुम्हारे घर की सूरज के लिए तुम्हारे घर की चांदनी कुर्बान हो गई। मेरी बच्ची कैसे झेलेगी ये सारे गम? मुझे तेरी माँ होने पे फखर है। दिल दरिया अम्मा, बस मुझे आखिरी बार अपनी गोद में सुला लो। अम्मा, आखिरी बार तुम्हारी गोद में सोना चाहती हूँ, अपनी गोद में से ला लो। आ जा बेटा, आ जा, तेरी ही तो है ये गोद। बेटा सुहाने खाब से डर नहीं जाना, कहीं खुदा ने तेरे लिए भी खुशियां लिखी होंगी। तू खुश रहे, आबाद रहे, तेरी माँ की जिंदगी भी तुझे लग जाए। मेरी बच्ची, जाने कितने रूप है इसके जिसका नाम है औरत, जिसका नाम तो ये सब बोलेगा ही, आखिर उसकी रंगलियां जो सबके सामने आ गई हैं। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। मैं वही कह रही हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो तुमने देखा है वो अधूरा सच भी तो हो सकता है,
जमील साहब, सच सच होता है। इधर उधर की बात तो लोग बनाते हैं, जैसे आप अपने भाई की तरफदारी कर रहे हैं। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। नाज़रीन बहुत अच्छी लड़की है, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। अच्छा, उस मनुज का जादू आप पर भी चल गया? चाहते होंगे मुझसे छुपकर उसे मिलने? सुरैया, हद से बढ़ रही हो। मैं हद से आगे बढ़ रही हूँ या आप भाइयों ने इस घर को अयाशी का अड्डा बना रखा है? कैसी औरत हो तुम? खुद एक औरत होकर दूसरी औरत पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रही हो तुम? हाँ, मैं एक औरत हूँ, इसलिए मर्द की फितरत को अच्छी तरीके से जानती हूँ। माले गनीमत पर सब अपना हक जमाते हैं। तुमसे बात करना बिल्कुल फजूल। जमील साहब, ये इज्जतदारों का घर है, ऐसी बच्चलन लड़की के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। लेकिन सुरैया, आप अपने भाई से बात कर लीजिए, नहीं तो मैं खुद उस लड़की को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सही बैठो सर। थैंक यू सर। बाबा, आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि मुझे एक फ्लैट चाहिए, थोड़ा साफ सुथरा सा, हम लोगों ने खुद रहना है। सर एक क्या, मैं आपको दो दो फ्लैट दिखाऊंगा और बिल्कुल आपकी तबीयत के मुताबिक, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, सी व्यू का व्यू आएगा बिल्कुल। सुबह आप हुक्म करें कब चलना है। अरे बाबा, फिर बनाते हैं प्रोग्राम देखने का। सर आपका हुक्म सर आंखों पे, बस बताएं कब चलना है। चलो फिर मैं बताता हूँ तुमको। शुक्रिया सर। बड़ी ये तो मसला ही हल हो गया। हेलो सर। सर मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ा। नहीं भाई, मुझे शादी तो करनी थी ना। चले इसी बहाने आप सबके कुछ काम तो आ गए। कैसी बातें कर रही है बेटी, तू तो हमारे घर की रहमत है। हाँ अम्मा, इसीलिए तो मैं वो करने जा रही हूँ जिससे आपके घर पर रहमतों की बारिश होगी। लोग औरत की अजमत की मिसालें देंगे। अम्मा, अम्मा आज ये इतनी बड़ी हो गई है कि मैं खुद को इसके सामने छोटा महसूस कर रहा हूँ। भाई हमें से कोई भी नहीं जानता कि हमें जिंदगी का अगला रुख किस तरफ ले जाएगा। मैं इस सचो को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बहुत ही कमीना और बदबخت इंसान है। भाई वो जो भी है, जैसा भी है, बस अब मैंने सब कुछ सिर्फ अपने खुदा पर छोड़ दिया है। वो ही बेहतर करने वाला है। कौन? जावेद मियां आ गया। वैसे जो अस्सलामो। अरे बा सुभान अल्लाह, आज तो अम्मा साई भी आई हुई है। क्या खूबसूरत दिन है, अच्छा दिन है आज तो। अरे जावेद मियां, ये कुछ कपड़े और फल फ्रूट हैं, ये आप सब के लिए हैं। इसकी क्या जरूरत थी, खामखा में आपने तकल्लुफ किया। अरे अम्मा साईं, इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है, घर वाली तो बात है ना। फिर आपको मैंने यहाँ से ले तो जाना है, फ्लैट देख लिया है मैंने, मेरे घर के पास ही है वो। आपकी बीवी को पता है कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं? अम्मा सही, हम अपने घर की औरतों को दादा सर पे नहीं चढ़ाते। जरूरत महसूस हुई ना तो बता देंगे उसको। और हाँ अम्मा सही, अब आपकी बेटी की बारी है साइन करने की।
ठीक है जावेद मियां, चलता हूं। हाँ जावेद मियां, किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो जावेद मियां बिला धड़क बता देना, ला दूंगा मैं। सलाम। सॉरी सर, मेरी वजह से घर में इतना सब कुछ हो गया। इसका मतलब जो कुछ सब लोग कह रहे हैं सच कह रहे हैं। नहीं सर, मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया है। तो फिर खुद को इतना अंडरएस्टिमेट क्यों कर रहे हो? सब मेरी वजह से इस घर में झगड़े हो रहे हैं। अम्मा जी भी मुझसे नाराज हैं। सब यही समझते हैं कि सारे फसाद की जड़ में। तो फिर मैं अपने बारे में ये कैसे ना सोचूं? नाज़नीन एक बात मुझे सच सच बताओ। जी सर। क्या तुम नबील को पसंद करती हो? सब ये कैसा सवाल है? इट्स वेरी सिंपल, डू यू लाइक हिम? सर आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम दोनों साथ एक ही जगह पड़े हो तो लगाव हो ही जाता है। सर मैं वहां पढ़ने जरूर गई थी, लेकिन अपने घर की इज्जत और अपने खानदान के वकार को साथ लेकर गई थी। और मेरी तहजीब मुझे ये सब करने की इजाजत नहीं देती। फिर नबील तुमसे इतना बेतकल्लुफ क्यों? सर मैं तो उससे वहां भी बात नहीं किया करती थी। तो फिर नबील? सर यकतरफा जज्बात का कोई हल नहीं होता। हाँ मैं समझ सकता हूँ। वाह शकील साहब, अब तो आप खुलेआम इस घर में। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम चुप करो, तुम्हें किसने इतना हक दिया हम दोनों के दरमियान में बोलने का? हाँ आज आपने मुझे बहुत मायूस किया। क्या जरूरत थी तुम्हें नाज़नीन के कमरे में जाने की? भाई वो बस एक जरूरी काम था। ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया कि सुबह का इंतजार करना भी मुश्किल हो गया? भाई वो एक्चुअली मेरा काम नहीं था, काम नाज़नीन का ही था, उसी ने तो मुझे बुलाया था। अच्छा, नाज़नीन भला क्यों बुलाने लगी तुम्हें? बस भाई वो बोर्डिंग में भी ऐसी थी, कभी इस सड़के के चक्कर में लगी रहती थी, कभी उस सड़के के चक्कर में लगी रहती थी, उसके काम तो ऐसे ही चलते थे बस। क्या मतलब है तुम्हारा नाज़नीन? भाई वो जितनी मासूम और सीधी लगती है इतनी है नहीं। इसका मतलब है कि वो लड़की तो खुद उसको इस घर में देखकर हैरान रह गया था शकील भाई के साथ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया सब? कैसे बताता, मेरी बात का कोई एतबार करता? पता नहीं क्या जादू करके रखा है उसने सबके ऊपर।
इसका मतलब है कि मुझे फौरन सब कुछ अम्मा जी को बता देना चाहिए, ताकि इस लड़की को फौरन इस घर से निकाल दिया जाए। जी भाई बिल्कुल। भाई आपकी ये आदत मुझे बहुत पसंद, बहुत जल्दी बातों में आ जाती। अब देखना नाज़नीन कैसे मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर बाहर निकलवाता। ये क्या तरीका है फरिया, तुम नाज़नीन से किस तरह बात कर रही थी? उस 2% की लड़की की आपको बहुत फिक्र हो रही है? फरियाल तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, इस किस्म के बिहेवियर की मैं तुमसे उम्मीद नहीं कर सकता। कम पढ़े लिखे तो आप भी नहीं हो, मुझसे ज्यादा कानूनी बारीकियों को तो आप समझते हो। अच्छा भले ये बताओ कि बीवी के घर में होते हुए लवर के साथ अफेयर चलाना, ऐसे आदमी को आप कितनी सजा दिलवाओगे? ये गन तुम अपने दिमाग से निकालो, मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ अम्मा जी की नर्स है। नर्स है, चले मान लेते हैं वो एक मामूली सी नर्स है, तो एक काम करें उसे घर से बाहर निकालें और कोई दूसरी नर्स रख लें। तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? तो आप समझाओ शकील साहब। मैं उसे इस तरह जाने के लिए नहीं कह सकता। आप नहीं कह सकते तो मैं जाकर कहती हूँ। तुम उससे कुछ नहीं कहोगे? आ गई ना दिल की बात जबान पर। मानती हूँ कि मर्दात बहुत दोगली जात होती है, लेकिन एक बात आप मेरी मान लें, मेरे होते हुए वो औरत इस घर में हरगिज नहीं रहेगी। नाज़नीन इस घर से कहीं नहीं जाएगी। तो ये क्यों नहीं कहते तो कि तुम उससे शादी करना चाहते हो? बना दिया तूने, राई का पहाड़ बना के रख दिया। ये क्या तरीका है बीवी से बात करने का? तुमने फरियाल पर हाथ उठाया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अम्मा जी इस औरत ने मेरी जिंदगी जहन्नम बना के रख दिया। मानती हूँ कि इसकी जुबान तेज है, मगर बेटा तुम कब से इतने बुजदिल हो गए कि औरत पे हाथ उठाने लगे? मैंने तो तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया। I'm sorry, अम्मा जी। मैं जानती हूँ बेटा तुम शकील से नाराज हो, लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते को भरोसा मजबूत करता है, तुम ताकत दो इस रिश्ते को। अम्मा जी प्लीज, अब आप मुझे लेक्चर देना में शुरू हो जाए, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। मैं जानती हूँ बेटा तुम बहुत समझदार हो, लेकिन अफसोस तो मुझे इस बात का है कि तुम समझदारी से उस वक्त काम नहीं लेती जब उसकी जरूरत होती है। मतलब क्या है आपका? मतलब मेरा यह है, अच्छा खैर छोड़ो, तुम जानो और तुम्हारा मियाँ जाने। ये सब कुछ उसी नाज़नीन की वजह से हो रहा है, वरना शकील ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया था, और अब तो आपने भी तंज मारने शुरू कर दिए। देखो बेटा जरूरी नहीं है कि जो पहले ना हुआ हो वो अब भी ना हो, नौबत तक तुम ले आई, अंजाम शकील ने दे दिया। मैं मानती हूँ शकील ने गलत किया, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए तुमने उसे मजबूर किया। बेकार में नाज़नीन पर इल्जाम मत लगाओ, इन सब की जिम्मेदार तुम। तुम यहां नहीं रह सकती भाभी। खड़ी हो, अपना सामान बांधो, निकलो यहां से। अगर हुआ क्या है? तुम मेरे घर में अब नहीं रह सकती, समझ आया तुम्हें? भाभी हुआ क्या है, बात क्या हुई है, कुछ बताए तो सही। सुनो ये मेरा घर है और मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे प्लीज। तुम ऐसे नहीं मानोगी,
भाभी भाभी प्लीज भाभी हुआ निकलो भाभी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम इस घर में नहीं रह सकती अब। भाभी मैं कहाँ जाऊंगी प्लीज मेरी मजबूरी समझे। नहीं समझनी तुम्हारी कोई मजबूरी। तुम लगती कौन हो मेरी। हाँ भाभी प्लीज ये क्या कर रही है भाभी। वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आप नाज़नीन को इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती। क्यों क्यों नहीं निकाल सकती। ये घर मेरा है और ये फैसला मैं करूंगी कि यहाँ कौन रहेगा। ये घर आपका कब से हो गया। सायरा मुझे घूरने से पहले इस सवाल का जवाब दें। ये घर आपका कैसे हो गया जो इस घर वालों पर अपना हक जता रही है। सायरा प्लीज प्लीज छोड़ दो। नाज़नीन आज मुझे बोलने दो। आज तो मैं सच में जानना चाहती हूँ जिस घर को ये अपना कह रही है क्या इस घर वालों को अपना बनाने की कोशिश की। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। तो आज तुम मुझे मेरी हद याद दिलाओगी। ये सब क्या हो रहा है भाई। अम्मा जी ये नाज़नीन को घर से धक्के देके बाहर निकाल रही है। तुम्हारी भाभी है जरा तमीज से बात करो। जिसे देखो वो यहाँ मुंह को आ रहा है। फरियाल क्या हो गया है। तो और क्या कहूँ। अभी मुझे कुछ देर पहले ये बताया गया कि घर पे मेरा कोई हक ही नहीं है। क्यों नहीं है मेरा हक। मेरा घर है ये। बीवी हूँ मैं शकील की इस घर की बहू हूँ। कोई मुझे ये कहने वाला कौन होता है कि इस घर पे मेरा कोई हक नहीं है। हाँ शकील की बीवी बनने के अलावा तुम कुछ और बन सकी हो। इस घर में कितने रिश्ते हैं कभी तुमने उन्हें अपनाने की कोशिश की। तुम तो घर छोड़ के चली गई थी क्योंकि तुम अलग रहना चाहती थी। फिर ये सब कुछ क्या है। ये रिश्तों को तोड़ के ना घर नहीं बना करता है। और एक बात है तुम भूल गई कि जब कोई औरत अपना घर छोड़कर जाती है तो दूसरी औरत को वहां आने में देर नहीं लगती है। भाभी मेरा सच में शकील सर के साथ कोई अफेयर नहीं। हसन है वो मेरे। बहुत से एहसानात हैं उनके मुझ पर। प्लीज प्लीज मेरा भरोसा करो। किसे कह रही हूँ नाज़नीन। इन्हें तो खुद जरूरत है अपने रिश्ते पर भरोसा करने की। अच्छा अब तुम दोनों जाओ अपने कमरे में। चलो जाओ हटिए यहाँ से। देखो फरियाल तुम अपने शोहर पर भरोसा करो वरना इसी तरह मझदार में ना घूमती रहोगी। तो ये समझ में नहीं आता सायरा कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा और शकील सर का अफेयर चल रहा है। जहालत है और क्या। पढ़े लिखे जाहिल लोग अपने रिश्ते तो इनसे संभलते नहीं लगे दूसरों पर इल्जाम तराशी करने। वो इतना डरती क्यों है। क्योंकि उन्होंने अपने रिश्ते में मुफाद के अलावा कुछ नहीं सोचा। शकील भाई से ईमानदारी से रिश्ता निभाती तो कभी नहीं डर लगता कि वो किसी और औरत को अपने घर में ले आएंगे। सायरा फिर तो उनका गुस्सा जायज है ना। कोई भी औरत किसी भी और औरत को कैसे बर्दाश्त करेगी। उनकी उम्मीद तब जायज होती अगर वो अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभाती। तुम खुद देखो शकील भाई से उनकी नहीं बनती। वो बिल्कुल भी खुश नहीं। अम्मा भी से कैसा सलूक। अगर सायरा उनकी वजह से अम्मा जी भी मुझसे नाराज हो गई हैं। उसकी टेंशन मत लो। अम्मा जी का रवैया वक्त के साथ बदलता रहता है। देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सायरा मैंने सुबह से मुझसे कोई बात नहीं की। मेरे हाथ का बना नाश्ता तक नहीं खाया उन्होंने। ओके फाइन मैं उनसे खुद बात करूँ। सायरा मान जाएंगी कहीं वो भी मुझे सबकी तरह गलत तो नहीं समझेंगी। नहीं बाबा कुछ नहीं समझेंगी। जस्ट रिलैक्स। इतना ज्यादा सोचोगी ना तो तुम्हें बुरे ख्याल आएंगे।
घर आपका कब से हो गया? सायरा, मुझे घूरने से पहले इस सवाल का जवाब दें, ये घर आपका कैसे हो गया जो इस घर वालों पर अपना हक जता रही है? शकील की बीवी बनने के अलावा तुम कुछ और बन सकी हो? इस घर में कितने रिश्ते हैं, कभी तुमने उन्हें अपनाने की कोशिश की? तुम तो घर छोड़कर चली गई थी क्योंकि तुम अलग रहना चाहती थी। फिर ये सब कुछ क्या है? रिश्तों को तोड़ के ना घर नहीं बना करता है। और एक बात शायद तुम भूल गई कि जब कोई औरत अपना घर छोड़कर जाती है तो दूसरी औरत को वहां आने में देर नहीं लगती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ? शकील से मेरे मेरे होता है शकील की जिंदगी में कोई और औरत? ऐसा नहीं हो सकता। शकील की जिंदगी में और मेरे अलावा और कोई नहीं आ सकता। मैं ऐसा और कैसे आने दूंगी? सिर्फ मेरे शकील, शकील से मेरे 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 शकील की जिंदगी में कोई और क्यों आएगा? आवारा गर्दी के अलावा कुछ और भी आता है या सारी जिंदगी यही करना है? आपको मेरे फ्यूचर में इंटरेस्ट कब से हो गया? जब से तुमने आधी रातों को लोगों के कमरे में जाना जो शुरू कर दिया है। ओ अच्छा, तो जमील भाई की चौकीदारी से आपका दिल भर गया तो आपने हमारी जासूसी शुरू कर दी? करनी पड़ती है, घर में जवान खूबसूरत लड़की जो आ गई है। उस जवान और खूबसूरत लड़की की परवाह करने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं। हाँ भाई, इस घर के मर्द है ना उस लड़की का ख्याल रखने के लिए। भाभी, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आपने ये बात करने के लिए मुझे नहीं रोका। अक्लमंद हो तो आप भी अक्लमंदी का मुजाहरा करें। इतनी भी क्या चल रही है? आपको जब बात करनी हो ना तो मुझे बता दीजिए, मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है। नाजली के बारे में क्या जानते हो? क्या मतलब? सीधी सी बात है, नाजली के बारे में क्या जानते हो? बस यही कि वो मेरे बोर्डिंग में पढ़ती थी। अच्छा, अगर वो इतने महंगे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है तो जरूर उसकी फैमिली स्टेबल है। अब ये सब मुझे नहीं पता। तो पता करो ना, अगर उसकी फैमिली स्टेबल है तो वो यहाँ क्या कर रही है? एक दो दफा सुना था कि वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, फिर कुछ अरसे बाद उसके पेरेंट्स ने उसे डिसोन कर दिया और बस। दिलचस्प कहानी है तुम्हारी नाज़नीन, मगर इसमें कुछ चैप्टर्स गायब हैं। वो भी मिल जाए तो निपट लूंगी तुमसे। अरसे बाद तुम इस कमरे में। वक्त ने बस मोहलत ही नहीं दी। शायद मैं हूँ ही मायूस। जहाँ पर भी जाती हूँ अपने साथ परेशानियों का ढेर साथ लेकर जाती हूँ। शायद इसी वजह से मेरे वालदेन ने भी मुझे लावारिस छोड़ दिया। किसने कहा तुम मनोज हो? जी आप रो रही हैं। ATV, सारे रंग हमारे।